अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनव्वर सुल्ताना किचन से बात कर रही हूँ और किचन से बात कर रही हूँ। और आप देखिए, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो मेरे अपने तरीके से मैंने बनाई है। वो तो मटर कीमा सब लोग बनाते हैं, लेकिन जो मैं अभी रेसिपी लेकर आई हूँ वो आप देखिएगा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन रेसिपी है। और ये मटर कीमे की रेसिपी है और इसकी भी जिन अज़ा की ज़रूरत है वो मैंने अभी आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले क्या करना है ये आप देखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये लहसुन मैंने डाल दिया है। पहले मैंने जो है वो प्याज डाली थी, इसके बाद अब ये लहसुन डाला है। अब ये लहसुन हल्का सा भुनेगा तो ज़्यादा नहीं भूनना मुझे, तो मैंने ये डाला। फिर इसके बाद जो है वो मैं ये कीमा डाल दूँगी ताकि इसकी थोड़ी बहुत अगर स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं कीमे की हमेशा लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसमें पेस्ट वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ जो है मैं ये अदरक जो है ये खुश्क अदरक है पाउडर है इसका, ये मैं डाल दी ये पाउडर ये डाल दी। ये थोड़ी सी 2 मिनट के लिए है और थोड़ा सा ये गाँच में भूनूँगी ताकि इसका जो पानी है इसी के साथ साथ ना ये सही हो जाए ना, इसकी स्मेल नहीं आती है। फिर ये मैं टेस्ट कर दिए, ये देखिए। ये आप मेरे चैनल को पे जाके विजिट कीजिएगा, मेरा सुल्ताना किचन के नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। और जो ऑलरेडी आपका पहले से है उसको शेयर करें और इसको फीडबैक दें मुझे। ये देखिए अच्छी तरह से ये भून गए, मैंने फ्लेम है वो थोड़ा तेज कर दिया है। और फिर उसके बाद हमें सारे मसाले डालेंगे, उसके बाद ये जरा फ्रेश का पानी निकल जाए, फ्रेश हो जाए इसका पानी। ये देखिए इसी 2 मिनट के लिए मैंने इसको किया है कीमे को, पूरा ताज़ा है लेकिन ताज़ा कीमा है और कोई इसमें मतलब कितना इसमें नहीं है। और इसे साफ सुथरा कीमा है, होने के बाद मैंने इसको ड्रेन कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे किया। अब इसमें जो है ना, तो अब हम डालेंगे ये मसाले। तो ये पहले तो मैं मिर्च डालेंगे, नमक, ये नमक है और ये काली मिर्च है। और ये जो है ये मिर्च है, जो हरी मिर्च है, ये 4-5 हरी मिर्च लेकर मैं डालूँगी और इसको थोड़ा सा पहले कर लूँगी ताकि इसे मिक्स हो जाए। ये देखें बहुत ईजी है, मैं जितना भी खाने आपने देखा होगा मैं जितने भी बनाती हूँ ना, तो बहुत ईजी रेसिपी होती है और उससे कोई भी स्पेशल चीज़ें नहीं होती है। बस यही चीज़ होती है जो आम की आपके घर घर में होती है लेकिन बड़ा टेस्टी होता ही है। और उसके बाद जो है ना ये पपीता है, ये जो है कश्मीरी जो मिर्च है, थोड़ा कलर अच्छा आता है, जो मैंने बाद में थोड़ी सी डाली है। और फिर हल्की आँच कर देंगे इसको, ये अब थोड़ी हल्की आँच कर दी थी अच्छी है। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैं टमाटर डालती हूँ। टमाटर डालती है, टमाटर का पानी निकलेगा, टमाटर जो टमाटो है ये गल बस थोड़े गल जाएंगे कीमे के साथ। तो ये थोड़ा तेज़ करती हूँ ताकि जो टमाटर का पानी निकले और थोड़े से गल जाए। और फिर उसके बाद मैं मटर डालूँगी और सबसे आखिर में जो है वो मैं ये जीरा, और क्योंकि ये भुना हुआ है ना इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है इसलिए ये आखिर में डालूँगी, सबसे आखिर में डालूँगी ये। और ये साथ के साथ मैं ये मटर भी डाल देती हूँ आपको, ये 1 कप मटर है। साथ में भून रहा है और क्योंकि ये भून रहा है तो मैं इसको मटर इसका पानी निकलेगा। अभी मैंने कोई पानी कोई कुछ नहीं डाला, इसका पानी निकलेगा टमाटर का, ठीक है। अब इसको मैं हल्के आँच कर देती हूँ और साथ में ये डालूँगी ये जीरा जो है
ये जीरा भुना हुआ है और जीरा और ये धनिया, और इसको मैंने भून के और ये पीस लिया है। बस इतनी सी बात है, सारा कुछ तैयार है। अब ये बताइए इसमें क्या मुश्किल काम है, ये सब तैयार है। अब इसको मैं पानी नहीं डाली अभी बिल्कुल, बल्कि आँच पे, बल्कि पानी ज़रा सा भरा है ना डालूँगी ताकि मसाला ना जल ना जाए। और इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ा सा इसको ढकाऊँ। अच्छा, बस अब ये तैयार हो जाएगा, 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये बंद करती है। अब आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और अपने शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, आपके अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मेरी मेहनत उस तरह वसूल हो जाती है, आप लोग देखते हैं तो। बहरहाल ये क्या, फिर दोबारा हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। और ये कोयला जो है, मैंने ये थोड़ा सा इसको कोयले को कदमा दूँगी, तो मैं ये आखिर में दूँगी। इसको मैंने हल्की आँच में रखी है, थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर करूँगी। ये तैयार हो चुका है, मैंने हल्की आँच कर दी थी, 20 मिनट इसमें लगे। और ये मैंने इसको ना रोटी का टुकड़ा रख के और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तो ये इसका हुआ जो है ये इसमें हो जाएगा। ये देखिए 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए बस देना होता है इसको, ज़्यादा नहीं। ये हो रहा है, आप देखिए इसकी ऊपर से देखिए ज़रा, ये देखिए पूरा धुआँ इसमें जज्ब हो जाएगा। जैसे ये ठंडा हल्का सा कम हो जाएगा ना धुआँ, तो फिर मैं इसे, ये मैंने इसके लिए किया है गार्निशिंग के लिए किया है। ऊपर से अगर डालना है डालें, नहीं डालना तो ना डालें, खाते में इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आप देखिए बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनी है। कोई स्पेशल कोई चीज़ मैंने नहीं डाली है, जो चीज़ें थी वो आपके सामने थी, लेकिन टेस्टी बहुत होती है, बहुत खुशबू आ रही है जो धनिया, और उसकी बहुत ज़्यादा खुश स्मेल होती है। और उसके अलावा आप देखें, ये थोड़ा कम हो गया इसका जो धुआँ है, इसका ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन कम हो गया। रोटी के ऊपर रखा है मैंने थोड़ा, ये बल्कि खुशबू आ रही है, मैंने खोला था तो काफ़ी खुशबू आ रही थी। ये देखिए मैं हटा रही हूँ इसको, अब तकरीबन धुआँ इसमें जज्ब हो चुका है। ये देखिए ये हो गया, ये। अच्छा, अब मैं एहतियात से इसको हटा दूँगी, ये मैंने हटा दिया। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको, आप देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसकी खुशबू आ रही है, ये देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, मैंने 3-4 से ज़्यादा टेबल स्पून नहीं डाले। ये देखिए ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। लोग बना के देखिएगा आप, ज़रूर आइएगा। और इसके ऊपर मैं जो है थोड़ा सा ये इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, बस ये ज़रा सा डाला मैं, और थोड़ी सी ये हरी मिर्च डाल देती हूँ, ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ इसको। इसके साथ ये, और ये आखिर में मैं आपसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आखिर में मैं दुआ में आप लोग याद कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।